तो हेलो है गाइस, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। गाइस आपका भाई एक नया वीडियो लाया है। गाइस दोस्तों आज हम एक डाई खोलने वाले हैं। गाइस वो प्लास्टिक डाई है गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको रिपेयरिंग करना है गाइस। तो देखो ये रही, ये प्लास्टिक आइटम है, देखो इधर कट आता ना दोस्तों, इसको सही करना है, कट नहीं आना चाहिए। तो आज हम ये डाई को खोल के रिपेयरिंग करेंगे, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। गाइस देखो इसके जैसा रहना चाहिए एकदम, इस पे ऐसा कट नहीं आना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली खोल के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस मैं फोन को एक जगह पे रख दिया हूँ और मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। गाइस इसको खोलने में बहुत मेहनत लगती है, इसको खोल के फिर इसको हम रिपेयरिंग करेंगे। तो चलिए मैं खोलता हूँ इसको। तो दोस्त ये देखो डाई हमने खोल दिया है। अब हम ये जो पंच लगे हुए हैं इसके ऊपर मशीन पे लगा के कट मारेंगे। देखो ये डिग्री में कट मारेंगे, फिर वो कट नहीं आएगा, जो पीस कट जा रहा था वो सही हो जाएगा। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पंच है दोस्त। देखो इसके ऊपर कट मारेंगे हम, फिर वो पीस सही हो जाएगा। देखो ये ऐसे बैठते हैं, इसमें ऐसे आ जाते हैं वैसे, और ये पंच में ऐसे आते हैं। तो चलिए गाइस मैं ये बोल्ट खोलता हूँ और इस ये बोल्ट खोल के पंच को निकालता हूँ। ये 1 2 3 4 बोल्ट है, इसको खोल के पंच को निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। Thank you.
पंखे को बंद करके रखा है, पंखे को चालू कर देंगे गाइस तो आवाज़ बहुत आएगी, तो हमारी वॉइस आपको सुनाई नहीं देगी, इसके लिए पंखे को बंद किया है। देखो ये निकल गई, इसको पंच को निकाल लेता है।
एक एक पंच को निकाल के मशीन पे लगा के उसको इस पे कट मार के फिर फिटिंग कर देंगे। तो चलिए हम देखो कैसे निकालते हैं। निकाल चुके हैं देखो। अब हम इसके ऊपर ये जो दिख रही है, ये जो डिग्री दिख रही है, इस पे हम कट मारेंगे। फिर इस पे कट मार के फिर डायल फिटिंग कर देंगे। देखो ये पीस बनता है इसके, देखो प्लास्टिक का पीस है दोस्तों। तो दोस्त अब हम उस पंच को इस मशीन पे लगा के कट मारेंगे, फिर हम उसको फिटिंग कर देंगे गाइस। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए अपने भाई के वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए मैं वीडियो को यही एंड करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।